रायसेन जिले के औद्योगिक नगरी मंडीदीप में एक विक्षिप्त महिला की जघन्य हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक उस महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर बेरहमी से हत्या की गई है। साथ ही मृतक महिला का पति इस जघन्य हत्याकांड के बाद से फरार बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों से बताया कि पति पत्नी हफ्ते भर पहले ही मंडीदीप आए थे। इसके बाद नगर पालिका परिषद मंडीदीप के पीछे बनी नपा की दुकानों के छत के नीचे गरीब पति पत्नी रहने लगे। इसके तहत ही SDOP शीला राणा ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित की गई है और महिला की जघन्य हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूचना प्राप्त हुई कि नगर पालिका कॉम्प्लेक्स के पास एक महिला का शव पड़ा है। सूचना की तस्दीक में हमारा स्टाफ के पहुंचा। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश टीम की उपस्थिति में घटनास्थल का निरीक्षण, बॉडी का निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है। मृतिका के शव को PMAT भेजा गया है। कार्रवाई जारी। गर्दन पे चोट का निशान है, गर्दन कटी हुई है।